ईदी फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में बढ़ती हुई आबादी और जरूरियात के पेश नज़र ईदी एम्बुलेंसेस की तादाद में इजाफा किया गया है। ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी कहते हैं 20 साल के दौरान पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो गई है। 2018 तक मजीद 200 एम्बुलेंसेस में इजाफा किया जाएगा। हमें शदीद ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में नई एम्बुलेंसेज की और एम्बुलेंसेज में इजाफा करने की, तो इंशाल्लाह हम जो है वो कमी को पूरा करते रहेंगे और आवाम हमारा अगर साथ देगी तो इंशाल्लाह हम अपनी इस फ्लीट को और मजीद भी बढ़ा करेंगे। ईदी फाउंडेशन की जमीनों पर कब्जे के हवाले से बात करते हुए फैसल ईदी ने बताया कि कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां जमीनों पर कब्जा मौजूद है। बलूचिस्तान का एक इशू ऐसा है जहाँ पे हमारी ज़मीन पे कब्जा करके मदरसा कायम किया गया था, वहाँ पर जाली कागजात ईदी साहब के दस्तखत बिल्की सेदी और मेरे दस्तखत के साथ अदालत में जमा करवा के सेटलमेंट करवा दी गई है, जो कि जाली है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो उसमें भी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हमारी अपनी ज़मीन के लिए, हमारी जगह के लिए जो है वो हम अदालत से रुजू करें। फैसल ईदी का कहना था कि नए प्रोजेक्ट्स के तहत बिल्की सीधी अस्पताल, नर्सिंग सेंटर, मिडवाइफ और पैरामेडिक का आगाज हो चुका है, जहां बैनुल अक्वामी मयार की तरबियत फराहम की जाएगी। मुस्तकबिल में बिल्की सीधी अस्पताल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमरजेंसी सेंटर खोलने का प्रोग्राम है, जहाँ फ्री लेबोरेटरी भी होगी। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ हुमैमा मलिक, जियो न्यूज़ कराची।